किस करने से क्या क्या फायदा हो सकता है, आखिरकार इस लड़के पे बिजली बेअसर क्यों हो जाती है, आखिरकार टेंट वाले ज्यादातर लाल रंग की कुर्सियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं, और भी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। नंबर 1, स्टैंप पेपर क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने तहसील या सरकारी कार्यालय का चक्कर काटते हुए स्टैंप पेपर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है। दरअसल स्टैंप पेपर एक कोरा कागज होता है जो कि इस पे मौद्रिक मूल्य अंकित होता है, किंतु इसे मुद्रा की नोटों की तरह एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर इसका प्रयोग समझौता अथवा किसी भी प्रकार की घोषणा की प्रमाणिकता का समर्थन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीमेंट के लिए, खरीद और बिक्री के लिए, व्यवसाय समझौता के लिए, इन सब के बावजूद और भी सरकारी दस्तावेजों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी बेहद खास बात यह है कि अगर कोई आदमी इस पे सिग्नेचर कर अपनी बातों से मुकर जाता है तो आप सरकारी सहायता ले सकते हैं और गवर्नमेंट आपकी मदद भी करेगी। नंबर 2, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसका उद्देश्य पूरे भारत को साफ करना है, लेकिन फिर भी हमें अपने आसपास गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा गांव है जिसे दुनिया का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है। दरअसल इस गांव का नाम माउलीनोग है जो कि मेघालय के शिलोंग में स्थित है। बता दें कि 2015 के जनगणना के मुताबिक यहां पे 100 परिवार रहते हैं जो कि अपनी जीविका चलाने के लिए सुपारी की खेती किया करते हैं। बता दें कि यहां के लोग घर से निकलने वाले कचरे को बांस के बने पात्र में इकट्ठा कर एक गड्ढे में जमा कर देते हैं, जो कि जमा ये कचरा समय के साथ खाद में बदल जाता है और इस तरह गांव की स्वच्छता भी बनी रहती है। नंबर 5, किस करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स और एंड्रोफिन्स नामक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि अगर आप डिप्रेशन में है तो मेडिसिन से ज्यादा कारगर किसी की चुम्बिया हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे तो दिल की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। नंबर 4, अगर आपके दोस्त आपको जबरदस्ती कीचड़ में गिरा देते हैं तो आप IPC धारा 350 के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। नंबर 5, अगर आप भारतीय ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब आप सफर के दौरान व्हाट्सएप के जरिए खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। बता दें कि हाल ही में IRCTC के द्वारा फूड ऑनलाइन डिलीवरी का प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया गया है, जो कि जुब तथा जियो हैप्टिक की साझेदारी से यात्रियों को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के द्वारा खाना ऑर्डर करने तथा प्राप्त करने का सुविधा मिलेगा। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि ये सुविधा फिलहाल कुछ ही स्टेशनों पे उपलब्ध हो पाया है, जैसे कि विजयवाड़ा, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर। नंबर 6, आप स्क्रीन पे जिस पक्षी को देख रहे हैं उसे लायर वर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। इन पक्षियों की बेहद खास बात यह है कि ये दूसरे पक्षियों की नकल करने में उस्ताद होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दूसरे पक्षियों की गाने, कुत्तों की भौंकना तथा कार के हॉर्न को भी हूबहू नकल कर लेते हैं, यहाँ तक कि इन्हें सीटी बजाना भी बखूबी आता है। नंबर 7, अक्सर आप लोगों ने जूते पहनते वक्त शू लेस को बांधते हुए इस प्लास्टिक को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते थे कि इसे एथलेट कहा जाता है? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट भी लो। नंबर 8, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रहने वाले ज्योति राज को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिना किसी सहायता के बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर केवल हाथों के बल ही चढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो सीधी सपाट ऊंची दीवारों, खम्भों के साथ साथ चट्टानों पर भी बिना किसी के मदद से आसानी से चढ़ जाते हैं। इनकी बेहद खास बात यह है कि ये दीवारों पे उल्टा लटक कर अपने शरीर को 90 एंगल पे मोड़ सकते हैं। नंबर 9, आखिरकार ATM मशीन में टोटल पैसा कितना होता है। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि ATM मशीन में जो पार्ट या ड्रावर लगा होता है उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कैसेट कहा जाता है, और एक ATM मशीन में 4 कैसेट लगे होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि एक कैसेट में नोटों की 22 पैकेट रखे जाते हैं। इन सब के बावजूद कैसेट में अलग अलग मूल्य के नोट भी रखे जाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 100, 200, 500 और 2000 के नोट क्रमशः 1, 2, 3 और 4 नंबर में रखे हो तो उनका टोटल 61,60,000 होगा। नंबर 10, हरियाणा के सोनपत में रहने वाले दीपक झांगड़ा को इलेक्ट्रिक बॉय के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लड़का बिना किसी इक्विपमेंट के सहारे बिजली के नंगे तारों को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी इसे बिजली का झटका नहीं लगता है। कहते हैं कि जैसे सपेरे सांप के साथ खेलते हैं, वैसे ही ये लड़का बिजली के नंगे तारों के साथ खेलता है। बता दें कि ये लड़का इतना बेखौफ है कि बिजली के नंगे तारों को अपने हाथों से जोड़ देता है, यहाँ तक कि 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइट को भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसे बिजली क्यों नहीं लगता है, तो बता दें कि दीपक खुद ही इस बात को लेकर हैरान है। हालांकि इसने अपने आप को डॉक्टर को भी दिखाया है और उसमें सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल था। नंबर 11, आखिरकार टेंट हाउस की कुर्सियों का रंग लाल ही क्यों होता है। तो जानकारी के लिए बता दें कि पहले कुछ कंपनियों ने सफेद, नीली और भी कलर्स की कुर्सियां बनाने की कोशिश की थी, परंतु टेंट संचालकों द्वारा उन्हें पसंद नहीं किया गया। वहीं पे इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि लाल रंग को शुभ माना जाता है, जो कि दिखने में बेहद ही अट्रैक्टिव भी होता है और इनकी सफाई करना भी बेहद आसान होता है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि कुर्सी के इस मॉडल को टेंट हाउस चेयर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहें।
जाएंगी। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।